ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। कोई खबर माँ जी? अभी तक नहीं। भगवान पर भरोसा रखिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। दाई माँ। क्या हुआ? चंदर की माँ लड़की हुई है। लड़की हुई है? माँ और लड़की दोनों ठीक तो है ना? लड़की की रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही? बच्ची ठीक है पर उसकी माँ दुनिया में नहीं रही। क्या क्या कह रही हो? मेरी बच्ची नहीं। मैंने ऐसा पहली बार देखा है। नहीं, कि बच्ची रो नहीं रही। सुरेंद्र सिंह जी, कमलकांत जी क्यों नहीं आए अब तक? आते ही होंगे, बस का समय तो हो गया है। लो वो आ गया। नमस्कार। आओ कमलकांत, आओ आओ। नमस्कार। भाई बहुत बहुत बधाई हो सुरेंद्र सिंह जी। अरे अपने गांव का ये पहला छोरा है जिसने इतनी पढ़ाई की है। हाँ भाई, ये तो आप सब लोगों की दुआओं का नतीजा है और इसीलिए उसका एक ही ख्वाब है कि वो शहर जाकर बड़े कॉलेज में पढ़ाई करके गांव की तरक्की करे। कितने ऊंचे विचार हैं भाई, आखिर संस्कार भी तो इन्होंने डाले हैं ना उसमें। गोपी है कहाँ? कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे राजू। राजू गोपी कहाँ है? वो अभी नहीं आ सकता। क्यों? वो तड़ा हुआ है। अबे जाना यार। क्यों गोपी भैया, मजा आ रहा है ना? राजू मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे बाप, भगाना यार इसे, भगाना। मैं तेरी हर बात मानूंगा। अब आए ना लाइन पर, आगे से मुझसे पंगा मत लेना। अच्छा बाप, पंगा नहीं। हट हट। अच्छा तो ये नकली है? ठहर जा, तेरी तो। अरे आओ 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 गोपी, कहाँ चक्कर बैठ गए थे तुम? जीते रहो। अरे भाई देखो कितने लोग तुमसे मिलने आए हैं, बधाई देने आए हैं, ये तो फखर की बात। तूने तो अपने गांव का नाम रोशन कर दिया बेटा। बस बापू, आप सब बड़ों का आशीर्वाद है। हाँ। एक तमन्ना और है, गाँव की तरक्की के लिए और ज्यादा पढ़ाई करूँ। क्या बात, पर उसके लिए तो शहर के बड़े कॉलेज में जाना पड़ेगा ना? अरे कॉलेज की तू चिंता मत कर। अरे भाई जिस कॉलेज में मैं क्लर्क हूँ वहाँ समझ ले कि गोपी का एडमिशन पक्का। क्यों गोपी, चलेगा ना मेरे साथ? बेटा गोपी, वो काला कोट और टोपी तो जरा दिखा जो तू कॉलेज से लाया है। आहा, हमें भी तो दिखाओ। अभी लाया बापू। जा जा जा।
यार। राजू मेरा कोट कहाँ गया? कहीं तूने तो नहीं छुपाया? मैं क्यों छुपाऊंगा? अरे हाँ, वो तो राधा पहन कर गई थी। राधा पहन कर गई है? कहाँ? मैंने उसे नदी की ओर जाते हुए देखा। चल तो मेरे साथ। दरवाजा खोलो, खोलो। कोई मेरी बच्ची को बचाओ। दरवाजा खोलो। नहीं, जब तक गोपी मुझसे शादी करने का वादा नहीं करेगा तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तू मेरी बात मान ले। देख देख, तू शादी अभी कर ले, गौना बाद में कर लेना। तेरा वचन भी रह जाएगा, राधा की जान भी बच जाएगी। देख, हाँ बोल दे, बोल दे। हाँ ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। पहले राधा को तो बाहर निकालिए। बेटा राधा, राधा मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। राधा सदा सुखी रहो। देखा बाबा, आप कहते थे कि इस लड़की की किस्मत में शादी का सुख ही नहीं है, याद है आपको? लेकिन आज विधि पूर्वक मैंने इसकी शादी कर दी। बाबा, मेरे गोपी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। जय बंसी वाले की बोल बेटा। वो अपनी धुन पे जिसे जैसे नचाता है उसे नाचना पड़ता है, उससे टकराना बेकार है। मुझे याद रखोगे ना? अरे जल्दी जल्दी चलो बेटा, बस निकल जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। और देखो गोपी, वहाँ जाकर ज्यादा ताक झाक मत करना। हाँ अच्छा। और सुनो, शहर की लड़कियाँ बड़ी तेज होती हैं। अच्छा। और एक बात याद रखना, सबसे दूर रहना। अच्छा। क्या अच्छा अच्छा ही करते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अरे बोल तो रहा हूँ। अच्छा हाँ, चलो चलो चलो। ले बेटा ये। अच्छा सुरेंद्र सिंह जी, मिलते हैं। ख्याल रखना बेटा। अच्छा पिताजी, चलता हूँ। ना ख्याल रखना। कॉलेज में आज तुम्हारा पहला दिन है जी, जरा ध्यान रखना। जी मामा जी। जी तेरा। सॉरी। नमस्ते मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं, अपनी खूबसूरती पर कभी दाग ना लगने देना। गुड मॉर्निंग। क्या देख रहे हैं प्रोफेसर अद्भुत? वो अद्भुत नजारा जो भूत बनकर हर वक्त मेरे हृदय में हिचकोले खाता रहता है, ऐसे ऐसे। क्यों? कभी आप करीब आकर इस हृदय की ध्वनि को सुनकर तो देखिए, आपको इस बात का खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मोती, छोटे छोटे, जो आपके शरीर की शोभा। क्या मतलब? मतलब मोतियों का हार, अत्यंत सुंदर है। लीजिए, घंटी बज गई। आपको कैसे मालूम पड़ा?
मैंने सुनी, आपने नहीं सुनी? नहीं। पीरियड शुरू हो गया है। मेरा? चलिए क्लास शुरू हो गई है। हाँ, क्लास शुरू हो गया। ए, सुनो सुनो सुनो, आज शाम को ना। हाय गोपी। अरे गोपी, अब तक नाराज है क्या? कॉलेज में तो ये होता रहता है। Come on, forget it यार, come on. Come on, man, come on, be a spirit. Come on, relax. Relax, come on. Hello. Hello. ये क्या किया तुमने? तुमको मालूम है ये तेजाब है? अगर कहीं तुम पर गिर जाता तो? अरे यार, जब दोस्त कहा है तो दोस्त की बात नहीं मानोगे? हाँ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। Come on यार, come on. Let's go. ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? ओह डैम इट, गाड़ी खराब हो गई है। ओह शिट, अब धक्का लगाना पड़ेगा, और क्या? ए गुलशन, चल। अबे गुलशन तो सोया पड़ा है यार। कोई बात नहीं यार, मैं और गोपी धक्का लगाते हैं। गोपी चल। ठीक है, आ जा गोपी, पीछे से धक्का लगा। राधा बेटी, राधा क्या हो बेटी, क्या हुआ? बापू, बापू गोपी मुश्किल में है, उसे मेरी जरूरत है बापू, मुझे उसके पास जाना है, अभी मुझे उसके पास जाना है बापू। राधा, लगता है जरूर तूने गोपी के बारे में कोई बुरा सपना देखा है। मैं कल ही शहर जाकर गोपी और कमलकांत की खोज खबर लेता हूँ। नहीं बापू, मुझे जाना है, अभी इसी वक्त मुझे वहाँ जाना है। अच्छा, कल सुबह पहली बस से हम गोपी के पास शहर चलेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? गोपी, गोपी क्या हुआ तुम्हें? गोपी, गोपी ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? लेकर क्या खड़े हैं? मैं पिलाता हूँ। मैं पिलाती हूँ, आप हटिए। अरे बाप रे, लो पियो। देखो बापू कितना कमजोर हो गया है, और ये मामा खुद का तो ख्याल रख नहीं सकते, इसका क्या ख्याल रखेंगे? अब तो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक ये पहले की तरह हट्टा कट्टा नहीं हो जाता। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी, बस। सुनो, कैसे काटा है वक्त तेरे बगैर, इन हवाओं से पूछ कर देख, जो छूकर आती थी तेरे बदन को और आकर देती थी मेरे दिल को सेक, कैसे काटा है वक्त तेरे बगैर। जनाब शायर भी है? अच्छा, तो जनाब शायर भी है? मैं आज ही इसी वक्त इन दोनों को कॉलेज से रस्ट्रिकेट करता हूँ, ताकि इससे बाकी के स्टूडेंट्स को भी कुछ सबक मिले। प्रोफेसर, इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, ले जाओ इन्हें। चल चल।
वेलकम। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आई ओके, सी यू भीगिंग, यू सिट, आई टी लाइन। ऊपर वाले। आंटी वेर? कौन आंटी? मामा वेर? मामा, अंकल अंकल, नो आंटी। अंकल वेर? मामा को थोड़ा काम है, देर से आएंगे। नो हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश। यू क्लोथ चेंज, यू भीगिंग। नो वेटिंग, ओनली गेटिंग भीगिंग भीगिंग। ओ यार, तुम जल्दी जाके टॉवल लेकर आओ यार। कितने पैसे हुए? 10 रुपया। ये लो, ठीक है सर। मेला तो नजर नहीं आ रहा, मेला कहाँ है और झूले कहाँ है? ओफो, चुप रहो। बर्फ का गोला तो मैं जरूर खाऊंगी। गोपी, गोपी कैसे हो? ऑल वेल। कौन थी वो? मेरे साथ पढ़ती है। हाथ क्यों मिला रही थी? अच्छा बाबा, आइंदा से हाथ नहीं मिलाऊंगा बस। Oh, come on, baby, let's boogie boogie. Hey, baby. Hi, Gopi. कौन है साथ में? इसे राणा के दरबार में सलामी नहीं दिलवाओगे? मैं इसकी बीवी हूँ, राधा नाम है मेरा, और ऐसे कई रजवाड़ों को ठेंगे पर मारती हूँ। चलो हटो, आओ गोपी। चुप कर। कौन है ये राणा जिससे तुम इतना डर रहे हो? ये वही लोग हैं जो मुझे तंग करते हैं, राणा, समीर, गुलशन, मोनिका। साले सिंघाड़े के बीज, अभी ठीक करते हो इनको? राधा, तुझे मेरी कसम, अगर तू कुछ बोली तो चल। अरे गोपी, तुम ऐसे नहीं, लोगों को नहीं, नहीं जानते। अरे नहीं, मैं नहीं, नहीं राधा, चल, तुम मुझे छोड़ो तो सही। अबे तुझे सिंघाड़े का बीज कह गए। राणा, हाय गोपी। हाय। कितनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से इंतजार कर रही थी। चलो। ए, कौन है ये? राधा, एक मिनट। राधा, ये सपना जी हैं। वो जो राणा मिला था ना, उनकी बहन है। ये बहुत अच्छी हैं। सपना जी, ये राधा है। हाय। सपना जी, ये मेरी बीवी है। बेचारी अभी अभी गांव से आई है, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, तुम इन्हें हॉल में बिठाओ, मैं तुम्हारा विंग्स में इंतजार करती हूँ। चलो राधा। देखो राधा, तुम हॉल में जाकर आराम से बैठो, मैं विंग्स में जाता हूँ, ठीक है? ठीक है। Dear students, ladies and gentlemen, आज हमारे कॉलेज का एनुअल डे है और इसके उपलक्ष में आज हमारे बीच फिल्मी जगत के प्रसिद्ध सितारे श्री मिथुन चक्रवर्ती मौजूद हैं, जो हमारे कॉलेज के एक्स स्टूडेंट भी हैं। मैं गुजारिश करूंगा श्री विक्रम सिंह राणा जी से, जो श्रीमती शांति देवी भेरवानी कॉलेज के ट्रस्टी भी हैं, मिथुन जी का स्वागत करें। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री मिथुन जी से कि वो अपने चाहने वालों के सामने आए और कुछ सुनाए। आप लोगों से मिलकर आज मुझे बेहद खुशी मिली है। प्यारे दोस्तों, मुझसे कहा गया है कि आप लोगों को कुछ सुनाऊं। मैं भी कभी आपकी तरह इसी कॉलेज का स्टूडेंट था। प्यार, मोहब्बत और इश्क, इनके बारे में लोग बहुत कम समझते हैं और इन्हें बुरा मानने वाले भी
लेकिन मोहब्बत और प्यार के दीवानों के लिए इश्क मंजूर खुदा होता है, इश्क आग है। आग और इश्क है एक से दोनों, एक सी इनकी कहानी, एक सी इनकी कहानी। आग लगे तो घर जल जाए, आग लगे तो घर जल जाए, इश्क जलाए जवानी। इश्क ने मारा, इश्क ने मारा, इश्क ने मारा, इश्क ने मारा, वो क्या संभले जग में यारो, वो क्या संभले जग में यारो। इश्क ने जिसको मारा, इश्क ने मारा, बेगाना। ईद मुबारक
किसे कहूँ मैं, याद हुआ बेगाना। जब से यार को रब माना है, दुश्मन हुआ जमाना। रब जो रूठे फिर मिल जाए, रब जो रूठे फिर मिल जाए। याद मिले ना दोबारा, इश्क ने मारा, इश्क ने मारा, इश्क ने मारा, इश्क ने मारा। वो क्या संभले जग में यारो, वो क्या संभले जग में यारो। इश्क ने जिसको मारा, इश्क ने 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 मारा। राधा, कहाँ जा रही हो? तुम सबका क्रियाक्रम करने। क्या मतलब? हट जाओ, मैं सब जान गई हूँ तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो। एक एक को चीर के रख दूंगी। गोपी, गोपी कहाँ हो? कहाँ चला गया? गोपी, गोपी, गोपी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने खुद ही अपनी मौत को अपने पास बुला लिया। मौत? मौत तो हम बांटते हैं। राणा नाम है हमारा। हमारे दरबार में आने वालों को सिर्फ मौत मिलती है, सिर्फ मौत। राधा नाम है मेरा, एक बार देख लूं तो जमीन में गड़ जाओगे। अजी, हम तो तुम्हारी आंखों के तब से दीवाने हो गए थे राधा, जब पहली बार तुम्हें गोपी के साथ देखा था। कहां उस बोंदू के साथ चिपकी हुई हो? हमारे दरबार में आ जाओ। गोपी, राधा मुझे कॉरिडोर में मिली थी, बड़ी अजीब सी बातें कर रही थी। गोपी, अपना ख्याल रखना। डॉक्टर साहब, अब गोपी की तबीयत कैसी है? मिस्टर कमलकांत, राधा की मौत के सदमे ने गोपी का यह हाल किया है। एट द मोमेंट ही इज इन कोमा। गोपी जिंदा तो है पर होश में नहीं है। मगर डॉक्टर साहब, क्या गोपी कभी कभी होश में नहीं है? देखिए कमलकांत जी, इन सच केसेस वी कांट से एनीथिंग। हो सकता है दो दिन में ठीक हो जाए या फिर दो साल भी लग जाए। भगवान राधा की आत्मा को शांति दे। गुरुदेव, ये कैसा तूफान है? ऐसा लगता है जैसे प्रलय आ गया हो। प्रलय, प्रलय ही आया है, प्रलय।
किसी आत्मा पर मनुष्य द्वारा अत्याचार हो रहा है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है शटक, ये कोई शक्तिशाली आत्मा है। इतनी शक्ति, इतना बल, यज्ञ होगा, समारोह होंगे, मैं शक्तिशाली बनूंगा। शक्तिशाली, मुझे जिस शक्ति का इंतजार था वो मिल गई। मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। शटक, इसमें वो शक्ति है जो सारी कायनात को भस्म कर सकती है। सिर्फ एक बार, वो एक बार मेरे दायरे में आ जाए, फिर मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा। जय महाकाली, जय महाकाली। भगवान, ये क्या हो गया मेरी गोपी को? क्या हो गया? हौसला रख गोपी की माँ, हौसला रख। मैं क्या करूं? बहन जी, अगर आप ही हिम्मत खो देंगी तो उसके दरबार में इंसाफ कौन मांगेगा? भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है, आप हौसला रखिए। जय हिंद, इंस्पेक्टर गांधी रिपोर्टिंग सर। जय हिंद, रिलैक्स, बैठिए। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर गांधी, ये रही राधा मर्डर केस की फाइल। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प यू टू सॉल्व द केस। आई एम कॉन्फिडेंट आप इस केस को सॉल्व करने में जरूर कामयाब होंगे। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट सर। All the best. Thank you, sir. नमस्ते इंस्पेक्टर गांधी, राधा मर्डर के साथ से मेरे पास है। आपकी तारीफ। जी, मैं राधा का मामा कमलकांत। अच्छा 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 अच्छा, और आपकी तारीफ। जी, ये सपना, यानी रंजीत सिंह राणा की बहन, राइट? जी, विक्रम सिंह राणा की बेटी, जो लक्ष्मी देवी कॉलेज के ट्रस्टी भी है। जी। तुम्हारा गोपी के साथ क्या संबंध है? ओके ओके, रिलैक्स। चलो सपना बेटी, तुम्हें देर हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, आपको अगर सपना से कुछ और नहीं पूछना है तो मैं इसे बाहर तक छोड़ाऊं। इट्स ओके। शुक्रिया। अच्छा अंकल, मैं चली जाऊंगी। अच्छा बेटी। My God! Achya! Shit!
थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। हेलो इंस्पेक्टर। हे इंस्पेक्टर साहब कहो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ राणा, रंजीत सिंह राणा, गुलशन समीर। काफी आलीशान मकान है, तुम्हारा है? ऐसा ही समझ लीजिए। आपकी तारीफ? मैं इसका बाप हूं। ओ, और बाप के बाद सब कुछ उसके बेटे का होता है ना? और ये कानून भी सरकारी अफसरों ने ही बनाया है, क्यों? लगता है आपको पुलिस वालों से कुछ नफरत सी है। मोहब्बत भी नहीं, वैसे मेहमान हमारे लिए भगवान होते हैं। तशरीफ रखिए, क्या लेंगे आप? जी कुछ नहीं, मैं रंजीत से चंद सवाल करके चला जाऊंगा। किस सिलसिले में? राधा मर्डर केस के सिलसिले में। रंजीत, देखिए इंस्पेक्टर साहब, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। रंजीत और उसके दोस्त बेकसूर हैं, और ड्रग्स का धंधा तो गोपी करता था, जिसकी सजा वो भुगत रहा है। और जब तक वो पूरी तरह होश में नहीं आ जाता, मैं अपने घर में तहकीकात करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा, समझे आप? देखिए विक्रम साहब, जब जब जुर्म बढ़ता है, हम अपना चैन खो बैठते हैं, और हमारा चैन वापस पाने के लिए हम अपने मुजरिम की गर्दन तक पहुंचने के लिए बेताब रहते हैं। रही बात गोपी की, ही इज रिकवरिंग फास्ट, और जिस दिन उसे होश आ गया, कातिल मेरे सामने होगा। गुड डे। गुड डे इंस्पेक्टर साहब। ये इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही छानबीन कर रहा है। अगर गोपी होश में आ गया और उसने कुछ बता दिया तो? गोपी तब कुछ बताएगा ना जब वो होश में आएगा। क्या करेगा तू? ये तुम मुझ पे छोड़ दे। ये कैसा तूफान? भागो, चलो चलो चलो, भागो, चलो चलो। Ha 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 ha!
आपका कहना है जिस लड़की की लाश हमें उस गाड़ी में मिली थी वो आपकी बेटी है? जी साहब। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी मौत 4 घंटे पहले हुई थी। फिर वो लड़की समीर के साथ उस गाड़ी में कैसे हो सकती है? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं 10 साल से कॉलेज का प्रिंसिपल हूं और इन 10 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है। आई थिंक हमें कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। ठहरो। जी, जी मैं? हाँ तुम, रंजीत सिंह राणा। जी मैम। हेलो। अरे तुम्हारे हाथ तो एकदम ठंडे हैं, एनी प्रॉब्लम? ओ मैम, इंस्पेक्टर, दरअसल बात यह है कि समीर की मौत के बाद कॉलेज में टेंशन का माहौल छा गया है। ओ आई सी, ओके। ऐसी भी क्या बेचैनी है, हुस्न तुम्हारे सामने हाजिर है और तुम हो के दिल कहीं और छोड़ आए हो। बताओ ना क्या बात है? दिल तो तुम्हारे पास ही है रीटा, मगर इस वक्त मेरे दिमाग में एक तूफान सा उठ रहा है जो मुझे तबाही का एहसास दिला रहा है। मेरी तरफ देखो। ओहो, अरे देखो ना, तुम उस तूफान को इस ग्लास में उतार दो और खुद को इन आंखों में। कसम से मैं तुम्हारा सारा दुख निचोड़ लूंगी। रीटा, आज मैंने उस इंस्पेक्टर की आंखों में एक खोज देखी है, मानो वो मेरे अंदर एक कातिल ढूंढ रहा हो। तुम उसकी परवाह क्यों करते हो, वो अपना काम कर रहा है। तुम भी अपना काम करो। क्या बात है रामू? मैडम गुलशन साहब आए हैं। ओके, उसको अंदर भेज दो। जी। हाय, क्या हो रहा है? पार्टी टाइम है? मजाक छोड़ यार। क्या बात है, बहुत सीरियस लग रहे हो। कॉलेज में आज वो इंस्पेक्टर आए हुए थे ना, इसी वजह से। बस इतनी सी बात है? नथिंग टू वरी यार, ये बात मेरे, मोनिका और तुम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता है कि हमारे हाथों राधा का कत्ल हुआ है। और किसी को पता लग गया तो? अरे यार, कोई ख्वाब में भी नहीं सो सकता कि गोपी के जेब में ड्रग्स डालकर हमने उसे फंसाया है। राम 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 राम। अगर हम एक हैं तो इंस्पेक्टर क्या, पूरी पुलिस फोर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे आखिर वकील का बेटा हूं। डोंट यू वरी, कम ऑन गेट रेडी नाउ, संदीप के बर्थडे पार्टी में जाना है, कम ऑन। तुम लोग चलो, मुझे अभी तैयार होने में वक्त लगेगा और मोनिका भी आ रही है, मैं उसके साथ आ जाऊंगी। आई थिंक दैट्स अ बेटर आइडिया, चलो चलते हैं। ओके चल, कम ऑन। ओके बाय बाय बाय। हे भगवान, ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं रिटा जी का सर्वेंट रामू बोल रहा हूँ। हाँ जी। क्यों रामू, पुलिस को फोन कर रहे थे? मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम लोग खूनी हो, तुम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये क्या किया तूने, ये तो मर गया। इसका मरना बहुत जरूरी था राणा। मरना तो जरूरी था, पर अब इसकी लाश क्या करेंगे हम? चलो इसे कहीं छुपा देते हैं जल्दी से।
एक काम कर, तू रीटा को जल्दी से फोन कर, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अबे ओए, तूने तो कहा तूने उसे मार दिया। हाँ यार, पता नहीं ये कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद उसे। मैडम है, उनके लिए कोरियर लाया हूँ। यहीं पर ठहरो, मैडम नहा रही है। ठीक है, आप इस पर साइन करवा लाइए। राधा, देखो तुम मैडम को बुला लो, मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ। ठीक है। कम कम साले, तुझे मर्डर भी ढंग से करना नहीं आता। यार मैं कोई प्रोफेशनल थोड़ी हूँ, मुझे तो शक हो रहा है। शक शक तो मुझे भी हो रहा है यार, पर ये कोरी वाला बाहर आके बैठा है, इसका क्या करें? एक काम कर, तू रीटा को फोन लगाकर उससे बात कर, इस कोरियर वाले पे मैं नजर रखता हूँ। हाँ, मैं राधा ही हूँ। मैं अपनी गोपी के लिए इंसाफ मांगने आई हूँ। तू भी तो एक औरत है, बता अगर तुझसे कोई तेरा प्रेमी छीन ले तो क्या तू उसे छोड़ देगी? तू उसे माफ कर देगी? बता बता, जवाब दे मुझे। नहीं, 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 नहीं। क्यों छीन लिया तुम सबने मिलकर मेरे गोपी को, बता क्यों? माफ कर दो राधा, माफ कर दो। पुलिस भाग। ओह माय गॉड, ये फोटोग्राफ्स और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एक लाश कत्ल कैसे कर सकती है? इम्पॉसिबल। जय महाकाली। प्रणाम। कहो पापा, हम बहुत आस लेकर आए हैं आपके पास। आस में ही श्वास है। कहो बच्चे, क्या कष्ट है? क्योंकि चंडी बाबा के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, चाहे इस लोक का हो या उस लोक का। पापा, हमारा बेटा 6 महीनों से अस्पताल में पड़ा है, डॉक्टर कहते हैं उसे कोई अद्भुत शक्ति ही बचा सकती है। और वो अद्भुत शक्ति चंडी बाबा की, चंडी बाबा की। फिर भी उसकी वो हालत हुई कैसे? वो अपनी पत्नी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। बेचारी ने शादी का सुख भी नहीं भोगा। बेचारी कुंवारी ही मर गई। क्या शादी के बाद कुंवारी मौत? जय महाकाली। चढ़ तैयारी करो, हम इसी वक्त इनके साथ जाएंगे। इस तरफ बाबा। आखिर तुम मिल ही गई, कुछ ही पलों में तू मेरे अधीन होगी। जय महाकाली। अपने प्यार के सिवा मैं किसी के अधीन नहीं हुई। रही तेरी बात, तो तेरे जैसे कई पापी आए और नष्ट हो गए। मूर्ख आत्मा,
कमंड ना कर, तू जानती नहीं तू किससे बात कर रही है, चंडी बाबा से, चंडी बाबा। मैं चाहूं तो तुझे इसी वक्त मुट्ठी में बंद कर लूं, कैद कर लूं तुझे, पर ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुझे अपनी शक्ति का एहसास दिलाना चाहता हूं। मेरा इंतजार करना, हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। जय महाकाली, जय शुद्रकाली नमः, जय विनाशकाय नमः, जय भद्रकाली। आइए इंस्पेक्टर साहब। रंजीत सिंह राणा कहाँ है? बहुत प्यार हो गया है आपको मेरे बेटे रंजीत से। पुलिस वालों को मुजरिमों से प्यार नहीं, लगाव होता है। और मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि गोपी की हालत अब काफी बेहतर हो गई है और बहुत जल्द वो पुलिस को अपना बयान दे देगा। तो इससे मेरे बेटे का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक इतना है कि कातिल उन तमाम लोगों का कत्ल कर रहा है जिनका संबंध राधा मर्डर केस से है, और शायद अब आपके बेटे की बारी है। इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस वालों को किस्से कहानियों की दुनिया में जीने की इतनी भयानक बीमारी होती है, क्या खुद तो मुजरिम पकड़ नहीं पाते, और हम जैसे शरीफ आदमी को किस्से कहानियां सुनाकर डराते हैं आप? मैं आपको डरा नहीं रहा, आगाह कर रहा हूं राणा साहब। अद्भुत की गल है, आज तेरी नजरें कुछ ढूंढ नहीं रही हैं। ढूंढ तो रही है, पर शांति। शांति? ओए, कोई नवी प्रोफेसर आई है क्या? अपनी पेंसिल अंदर रख, हर बात में पेंसिल निकाल लेता है तू। अरे कॉलेज का माहौल ही ऐसा हो गया कि टेंशन हो गई है। प्रिंसिपल साहब नहीं आए अब तक, तुम्हें अपनी पगार बढ़वानी है क्या? ओए तू प्लीज सब चुप हो जाओ प्लीज। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं? अरे अद्भुत को शांति चाहिए। शांति? नहीं सर, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पिकनिक पे चलेंगे, जिससे थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और बच्चों को रिलीफ भी मिलेगी और इसे शांति भी मिल जाएगी। अब नॉट अ बैड आइडिया, गो एंड एंजॉय। थैंक यू। मुझे लगता है हमारे पीछे कोई है। मुझे भी लगा, चलो यहाँ से। ओए डर गया? सर हमें लगा हमारे पीछे कोई है सर। और तू? सर मैं अपने रूम में जाती हूँ। जा 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 जा। ओए चढ़ती जवानी में इतना डरता है तो हमारी उम्र में जाके तेरा क्या होगा। चल चल चल, तो मौज मस्ती करते हैं। आजा आजा। दर्शन दर्शन, क्या हुआ? दर्शन दर्शन जी, यार दर्शन तूने तो हम लोगों की जान निकाल दी थी,
तू ठीक तो है ना? दर्शन तुम तो वाकई में मर्द निकले। जाओ सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, यहां खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ जाओ, तुम भी जाकर आराम करो। तुम ऐसी भी क्या जल्दी है? I love you. चलो मेरे साथ, बताता पेंसिल वाले का कोई भरोसा नहीं, जाकर देखना चाहिए क्या कर रहा है वो। सर आपकी आंखों को क्या हो गया सर? सारी ऑलराइट? सब बहुत हो गया। राधा ये कैसे हो सकता है? तू ठीक कह रहा है, जैसे मैं मरी थी उसी तरह, जिस तरह गोपी को तुमने मुजरिम साबित किया था। राधा तुम अरे दर्शन क्या कर रहा है तू? छोड़ दे। मानता क्या हुआ गुलशन? गुलशन क्यों चीख रहे हो? राणा देख, दर्शन सिंह सर ने अद्भुत सर को मार दिया। साले कमी है, कुत्ते, सुअर, बोल, बोल। हरामजादे, बोल तूने अपनी आंखों से क्या देखा? सर, बोल। सर, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था सर। सर, उस दिन दर्शन सिंह सर और अद्भुत सर में लड़ाई हुई थी सर, और दर्शन सिंह सर ने अद्भुत सर को मार दिया था सर। सर, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। सर, इसके अलावा झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है तू। जितना तेरे पेट में है उतना तेरी जबान पर नहीं आ रहा है। ये डंडा देख रहा है, किसे मैं मुजरिमों के हलक में डालकर सच्चाई उगलवाना अच्छी तरह जानता हूँ। समझा? समझा? Come on. कुछ बताया इसने? सर, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया पर ये कुछ कह नहीं पा रही है। आई थिंक शी इज नॉट इन हर सेंसेस। इसने वो मर्डर होते हुए देखा है जिसकी वजह से ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। टीना, इसे पागलखाने भेजने का फौरन बंदोबस्त करो। ओके? यस सर। क्विक। और तुम जा सकते हो। हेलो हेलो राणा, यार सब गड़बड़ हो गया यार। आज तक जितने भी मर्डर हुए ना सब राधा ने किए। मैंने और मोनिका ने उसकी आत्मा को दर्शन सिंह के बॉडी में देखा यार।
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? इसके पास जाता हूं तो मुझे फांसी हो जाती है। राणा कुछ कर यार। मैं सोचता हूं क्यों ना राधा के मामा के पास जाके उनसे सच सच कन्फेस कर दूं। तुझे जो करना है तू कर, मेरी मोनिका तो पागलखाने पहुंच चुकी है। मैं पागलखाने नहीं पहुंचा जाता, मैं कन्फेस कर रहा हूं। बाय। पापा किसका फोन था? पापा पापा गुलशन का फोन था जिसे तुम अपना दोस्त कहते हो। तुम सब लोगों ने मिलकर राधा को मारा था। बोलो जवाब दो, गोपी की हालत के जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो। अरे बुद्ध की तरह खड़े क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? हाँ पापा। ये क्यों किया तुमने, क्यों किया ऐसा? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए पापा, मुझे बचा लीजिए। सबसे पहले तुम्हें राधा से बचाना होगा, और ये काम कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक ही कर सकता है। जय महाकाली। आगे हाथ बढ़ाओ बच्चे। जय महाकाली। जाओ, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन 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 क्या बाबा? जब भी वो आत्मा तुम पर हमला करेगी तो तुम तुरंत ही मेरे पास आना। अगर तुम उसके किसी छलावे में आ गए तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। महाकाली तुम्हारी रक्षा करे, जाओ। शेर को फांसने के लिए बकरी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह मैंने भी इस लड़के का इस्तेमाल किया है, और मुझे यकीन है कि वो मेरे हाथों से नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। जय महाकाली। गुलशन, राणा, अच्छा हुआ तू आ गया यार, मुझे बहुत डर लग रहा था। आजा, गाड़ी में बैठ के बात करते, चल। राणा, मैं राधा की टेंशन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरी मान तो तू भी सरेंडर कर दे। राणा, मेरी बात को तू सीरियसली क्यों नहीं ले रहा यार? सीरियसली ले रहा हूँ, अभी तो हम यहाँ गाड़ी में बैठ के बात कर रहे हैं। यार मैं सच कह रहा हूँ, मैंने राधा को दर्शन सर में अपनी आंखों से देखा है। दर्शन सर ने अद्भुत सर का कत्ल कर दिया है। मतलब राधा ने सर ने मतलब यार मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। पागल तो तू हो चुका है। मतलब हाँ, तू पागल हो चुका है गुलशन, और जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे पाला नहीं जाता। हाँ? या तो उसे म्युनिसिपैलिटी वाले उठाकर ले जाते हैं, या फिर उसे जान से मार दिया जाता है। सर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है सर। ठीक है, लेकिन इतना घबराए हुए क्यों? क्या बात है, कहो। देखो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम कॉलेज के बाद मेरे ऑफिस में आकर लेना है।
इंस्पेक्टर साहब, आज से आपकी इमरजेंसी ड्यूटी खत्म। कमलकांत बोल रहा हूँ, फॉरेन कॉलेज चले आइए, आपकी सारी पहेलियाँ सुलझ जाएंगी। राधा, मेरी बच्ची, मुझे पता है तू यही गई है, मुझे पता चल गया है तेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है मेरी बच्ची, पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, तेरे मुजरिमों को सजा जरूर मिलेगी मेरी बच्ची। ना राधा, ना, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तेरे दिल पर क्या बीत रही है, तुझे अपने मामा पर भरोसा रखना होगा, बंद कर दे खून की होली बेटी, खून की होली बंद कर दे, बंद कर दे, सिर्फ एक मौका अपने मामा को दे, सिर्फ एक मौका, मैं वादा करता हूं कि तेरे कातिलों को मैं सजा दिलवाऊंगा और गोपी को न्याय, तू सुन रही है, अंदर आ जाओ। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, देखो मुझे सारी कहानी मालूम हो चुकी है, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, इंस्पेक्टर गांधी भी आते ही होंगे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तू मेरी मदद क्या करेगा बुड्ढे, तू तो खुद अपनी मदद करने के लायक भी नहीं है। बदतमीज, चलो उसी लैब में चलकर बात करते हैं जहां ये हादसा हुआ था। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? आप ऐसे क्या देख रहे हैं सर? ये क्या हो गया आपको सर? सर आप इस रस्सी से क्या कहना चाहते हैं?
अरे यार एक एक सिगरेट हो जाए। ले भैया पी ले। सिस्टर क्या बात है आज आप इस वक्त राउंड पर? हाँ वो स्पेशल केस है इसलिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेशेंट को इंजेक्शन लगा दूं। हाँ जल्दी करो। अगर ये लाश कॉरिडोर में थी तो यहां कैसे पहुंची? इंस्पेक्टर साहब। यस डॉक्टर। गोपी को होश आ गया है। दैट्स गुड। मेरे साथ आइए। कम ऑन। लो गोपी दूध पी लो। गोपी सुनो मैं चलती हूँ। जय बंसी वाले की। कल्याण। नमस्ते अंकल। मैं कुछ समय के लिए घर जा रही हूँ। बेटी हाँ? तुम अभी मत जाओ क्योंकि मैंने वो देख लिया है जो तुम नहीं देख सकते। हेलो हेलो मिस्टर रंजीत आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। What? सॉरी हम उन्हें बचा नहीं पाए। आज सुबह हॉस्पिटल की लिफ्ट टूटने से उनकी मौत हो गई। ओह, कहाँ है मेरी बहन? उनकी बॉडी मॉर्ग में है आप देखने आ जाइए। ओह माय गॉड मैं अभी आ रहा हूँ। सिस्टर सिस्टर मुर्दा घर किधर है? वहाँ पर है। बाबा 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 आज तो मैं धन्य हो गया। आपने मेरे आश्रम में आकर मुझ पर वो उपकार किया है बाबा जिसको मैं किसी भी रूप में नहीं लौटा सकता। बाबा बताइए आपका यह तुच्छ चेला आपको क्या भेंट दे? उठो चंदी अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो राधा को मुक्ति दे दो क्योंकि राधा जो कर रही है वो विधि के नियम के विरुद्ध है और तुमने तो वो शक्ति वो विद्या हासिल की है जिससे तुम इंसानियत की रक्षा कर सको और तुम्हें तो वो सिद्धि
वो ज्ञान हासिल की है जिससे तुम राधा को समझ सको और उसे मुक्ति का मार्ग दिखा सको। मैं तुमसे राधा की मुक्ति की भीख मांगता हूं, उसे मुक्ति दिला दो। बाबा 25 वर्ष घोर तप किया है मैंने, खुद को अपने खून की एक एक बूंद को महाकाली के चरणों में अर्पित किया है ताकि मैं वो शक्ति हासिल कर सकूं जिससे मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूं, इतना शक्तिशाली कि मौत भी मेरे अधीन हो। तुम्हारी बातों से घमंड की बू आ रही है चंडी। घमंड नहीं बाबा, घमंड नहीं, शक्ति, मेरी शक्ति जो आप भी हासिल नहीं कर पाए, वो शक्ति जो आपको मेरे दर पे ले आई। चंडी इतना भी घमंड न कर कि तेरे समाने के लिए किसी भी लोक में स्थान न मिले। समाते तो वो है बाबा जो मर जाते हैं, मैं तो अमर हूं, अमर। बस एक बार राधा मेरे दायरे में आ जाओ। हाँ? मुझे सपना चाहिए। सपना चाहिए? सपना? तुम उसकी परछाई भी नहीं छू सकते। चंडी मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ सपना चाहिए। सपना इधर आओ। जय शुद्रकाली नमः, जय विनाशकाय नमः, जय भद्रकाली नमः, जय शुद्रकाली नमः, जय विनाशकाय नमः। सपना तुम इसी चक्र में सुरक्षित हो, अगर तुम इस चक्र से बाहर निकली तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय भद्रकाली, जय विनाशकाय नमः, जय शुद्रकाली, जय महाकाली। चंडी ये अनर्थ मत कर। चंडी चंडी मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, रुक जा। बाबा आप तो क्या, अगर भगवान भी आ जाए तो भी मुझे नहीं रोक सकते। जय महाकाली, जय भद्रकाली नमः, जय विनाशकाय नमः। रुक जा, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। बाबा हट जाओ, जाओ। जय शुद्रकाली नमः, जय विनाशकाय नमः। ये मारा। गोपी, Oh, my God.
हट। ये क्या किया तूने? बाबा, मैंने कहा था ना, आज मेरे रास्ते में कोई भी आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। राजा, राजा, राधा बाबा में? हाँ। ये तू क्या नादानी कर बैठी? तूने चंडी को रोकने का साहस किया है? चंडी को अब तेरी मौत निश्चित है चंडी। तू मुझे मारेगी, चंडी को मारेगी। नहीं राधा, तू मुझे नहीं मार सकती, तू मुझे नहीं मार सकती। नहीं चंडी, मैं तुम्हें मार सकती हूँ, परंतु तुम्हें मारकर मैं इस शरीर का अपमान नहीं करना चाहती। मैं जो कर रही थी वो गलत था, अब भी वक्त है, संभल जा और बदल ले अपने आप को। रुक जा, चंडी! गोपी, मेरी गोपी। I love you, राधा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है। जिसने तुझे मुझसे छीन लिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, ले चलो राधा। नहीं गोपी, मैं गलत थी। मैं तेरी ये दुनिया छोड़ चुकी हूँ। अब तुझे इसी दुनिया में रहना है और बहुत सारा प्यार पाना है। अब मुझे यकीन हो गया है कि कोई ऐसा है जो तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है। अब मुझे जाना होगा। हाँ। हाँ। अगर मैंने तेरी आराधना सच्चे मन से की है, अगर मेरे तप में शक्ति है, उस सब के फल स्वरूप राधा को मुक्ति दे दे माँ, राधा को मुक्ति दे दे माँ, राधा को मुक्ति दे दे, राधा को मुक्ति दे दे माँ, राधा को मुक्ति दे दे माँ। जय महाकाली। गोपी, Oh, my God.